शाह बंसल बायोलॉजी आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले टेट्रापोड लिम डेवलपमेंट के बारे में इस टॉपिक से रिलेटेड एक पूरी सीरीज चलेगी आज उस सीरीज का लेक्चर नंबर वन है तो लेट्स के स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस ये जो टॉपिक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी टेट्रापोड सबसे हमें चार यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है तो हम इसमें किसकी बात करते हैं हम इसमें बात करते हैं फोर लिम वर्टिब्रेट्स की यानी कि ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके पास प्रेजेंट हो चार लिम्प प्रेजेंट हो अगर हम इनमें देखें तो इनमें कौन कौन से आते हैं एम्फीबियंस आते हैं रेप्टाइल्स आते हैं एव्स आते हैं मैमल्स आएंगे तो इनमें कौन आएंगे एम्फीबियम

सबसे पहली जो एक्सेस होती है उसको बोला जाता है डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस आप देख सकते हैं डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सेस में क्या ये जो नकल वाला पार्ट है जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है डॉर्सल वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है यानी कि पाम वाला पार्ट है इसको बोला जाता है वेंट्रल पार्ट उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं जहां पे हमारा थंब है वो वाला पार्ट कौन सा होता है इंटीरियर और जैसे जैसे हम यहाँ पे मूव करेंगे वैसे वैसे कौन सा पार्ट आ जाएगा पोस्टीरियर पार्ट आ जाएगा

अगर हम यहाँ पे देखें जब हम लिम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लिम डेवलपमेंट कहा होता है किस वजह से होता है कैसे होता है हम उसका पूरा प्रोसीजर देखते हैं तो लिम डेवलपमेंट की जो शुरुआत है वो होती है एक की फॉर्मेशन से जब एम्ब्रियो होता है उसमें किसकी सिंथेसिस होगी एक लिम बर्ड की सिंथेसिस होती है जैसे हाइड्रा में एक बर्ड नहीं बनता जिससे एक नया हाइड्रा बन जाता है ऐसे ही बस यहाँ पे एक लिम बर्ड बनता है जिससे क्या बन जाएगा जिससे यहाँ पे लिम डेवलप होगा किस तरीके से होगा हम थोड़ी सी देर में देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो हाइंड लिम होता है फोर फोरलिम होता है हाइंड यानी कि जो पैर और फोर फोरलिम यानी कि जो हाथ वो कितने रीजन पर डिवाइडेड होता है तो आप यहां पे देख सकते हो तीन रीजन में डिवाइडेड होता है सबसे पहला होता है स्टाइलोपोट स्टाइलोपोर्ट कौन सा वाला रीजन होता है यहां से लेकर यहां तक वाला यहां पर कौन सी बोन आती है उसको क्या बोलते हैं और पैर के बात करें और फीमर अगर हम किसकी बात करें पैर की बात करें तो ये वाला जो रीजन होता है जो प्रोक्सीमेट रीजन के जस्ट बाद उसको बोलते हैं स्टाइलोपोर्ट रीजन नेक्स्ट जो रीजन होता है उसको बोलते हैं ज्यूगोपोर्ट रीजन जूगोपोर्ट रीजन यानी कि यहां से हमने शुरुआत करके कहा तक गए हम यहां तक गए इतने रीजन को क्या बोलते हैं ज्यूगो पोर्ट बोलते हैं ज्यूगो पोर्ट रीजन जो होते हैं उसमें अगर हम हाथ में बात करें तो कौन सी बोन्स आती है अल्ला एंड रेडियस आती है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो अल्ला एंड रेडियस आएगी वहीं अगर हम पैर के केस में बात करें तो इसमें कौन सी बोन्स आती है टीबिया एंड फिबिया आएगी टिबिया एंड फिब्यूला And fibula. तो इस तरीके से होता होता है। है, हम जो 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 सबसे दूर यानी कि ये वाला जो हमारा रीजन ऑटोपोर्ट रीजन. रीजन में आप देख सकते हैं हाथ में क्या आता है हाथ में आता है कार्पस एंड डिजिट्स डिजिट्स यानी कि जो हमारी जो फिंगर है वहां वहां का रीजन वही अगर हम पैर में देखें तो कौन आएगा टार्सिस एंड टोस टोस तो इस तरीके से जो पूरा लिम्ब है उसको तीन रीजन पर डिवाइड किया जाता है तीनों रीजन के बारे में आपको पताना चाहिए स्टाइलोपोर्ट जूगोपोर्ट ऑटोपोर्ट स्टाइलोपोर्ट इज टूवर्ड्स प्रोक्िमेल एंड देन इट्स ज्यूगोपोट एंड देन इट्स ऑटोपोर्ट तो इस तरीके से यहाँ पे तीन रीजन होते हैं इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहां पर हम किसके देख रहे हैं लिम्ब बर्ड की सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से शुरुआत होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आप लिम्ब बर्ड देख रहे हैं जो अभी बन रहा है एक है अपर लिम्ब बर्ड जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है यानी कि ये क्या बनाएगा ये बनाएगा फोर लिम्ब और इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट है लोअर लिम्ब बर्ड जो कि क्या बनाएगा यहाँ पे हाइंड लिम्ब बनाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये क्या हो रहा है इस तरीके से यहाँ पर ये बर्ड लाइक फॉर्मेशन हो रहा है तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो बर्ड है ये बनता किस सेल से कौन कौन सेल्स यहाँ पे मिलकर इस बर्ड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो यहां पर जो सेल्स आते हैं उनमें से एक सेल होता है जिसको बोलते हैं लेट्रल मीजोडम यहाँ पर लेटरल मीजोडम से सेल्स आएंगे यहाँ पे सेल्स क्या करेंगे माइग्रेट करेंगे और बर्ड बनाने के लिए बोलेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है ये वाला रीजन है लेट्रल प्लेट मीजोडम लेट्रल प्लेट प्लेट मीजोडॉम से क्या हो रहे हैं सेल्स माइग्रेट करेंगे और माइग्रेट करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे क्या बनेगा बड़ बनेगा सिमिलरली यहां पे सोमाइट्स होता है सोमाइट से भी क्या करते हैं सेल माइग्रेट होंगे और माइग्रेट करके यहां पर इस रीजन में आ जाएंगे तो हमने क्या देखा कि दो तरफ से सेल्स आते हैं माइग्रेट होते हैं और बड की सिंथेसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पे जो दो सेल्स है वो आ कहाँ से रहे हैं एक तो आ रहे हैं लेटरल प्लेट मीजोडम से माइग्रेट हो गया और उसी के साथ साथ एक आ रहे हैं सोमाइट से इन दोनों जगह से सेल माइग्रेट होते हैं और माइग्रेट करके बोलते हैं कि क्या करो भाई सिंथेसिस करो लिम बड की तो यहां से जो सेल्स माइग्रेट होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं वो होते हैं मीजन काइम सेलिबल फॉर दिन ऑफ लिम बट अगर हम यहां पर देखें जो सेल्स माइग्रेट हो रहे हैं लेट्रल मीजोड से वो डिफरेंट पोर्शन बनाएंगे लिम का वहीं यहां पर जो माइग्रेट हो रहे हैं सोमाइट से वो डिफरेंट रीजन बनाएंगे लिम का अगर मैं यहां पर देखू जो लेटरल प्लेट से माइग्रेट हो रहे हैं वो किसके सिंथेसिस करेंगे वो सिंथेसिस करेंगे स्केलेटल प्रिकोसल सेल की यानी कि ये क्या बनाने वाले स्केलेटल प्रकोस सेल बनाएंगे जिससे किसके सिंथेसिस होगी स्केलेटल सिस्टम के सिंथेसिस होगी वही जो सोमाइट से मीजोडम माइग्रेट हो रहे हैं वो किसके सिंथेसिस करवाएंगे वो मसल सेल के, कि ये के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं है। तो जैसे कि क्या बन रही है यहां पर मैंने कहा समझो सोमाइट से यहाँ पे सेल्स आ रहे हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पे कहा सेल से आ रहे हैं लेटरल बड से भी यहाँ पे सेल्स आ रहे हैं ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या ये सारे सारे मीजो मीजन सेल है तो यहाँ पर मैं बोल सकती

यहाँ पर जब मीजन काइम सेल्स बहुत सारे आ जाएंगे तब एक्टोडर्म जो है वो पूरी क्या हो जाएगी वो थोड़ी सी बाहर की तरफ चली जाएगी वो क्या हो जाएगी थोड़ी सी ऊपर की तरफ चली जाएगी तो यहां पर इस वजह से क्या होगा इस वजह से यहाँ पर लिम बड आपको दिखने लगेगा जब ये एक्टोडर्म थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है उसके बाद आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देख सकते हो ये लिम बड का स्ट्रक्चर है जिसमें जो एक्टोडर्म है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो चुकी है अगर हम यहां पर देखें अब जब ये सिंथेसिस चल रही होती है तो टोटल तीन जोन बनते हैं जब लिम बड बनता है तब तो यहाँ पे तो टोटल तीन जोन बनते हैं सबसे पहले हम उन जोन के बारे में जान लेते हैं सबसे पहला जो, जो, जो जोन होता है वो होता है प्रो जोन प्रोलिफरेटिंग का मतलब होता है जहां पे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं तो सिर्फ तो तो पहला जोन है उसको बोलते हैं प्रोग्रेस जोन इसको शॉर्ट में लिखा जाता है पी सेड ये एक ऐसा जोन है जहां पर क्या हो रहा है जहां पर हाईली प्रोलिफरेटिंग Cells present, cells है, यह यहां पे बैठ के क्या करने वाले divide, divide, divide करने वाले ताकि इनका जो नंबर है वो इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा तो सबसे पहले यहां पर यह होते हैं। इसके अलावा अगर हम यहां पे देखें जो नेक्स्ट जोन होता है वो कौन सा होता है वो होता है ZPA जेड पी ए जोन जिसको बोलते हैं जोन ऑफ पोलराइजिंग जोन ऑफ पोलराइजिंग ये वाला जो, जो जोन है आपको क्या बताएगा एंटीरियर और पोस्टीरियर के बारे में बताएगा कि कहां पर एंटीरियर रीजन बनेगा और कहां पे पोस्टीरियर रीजन बनेगा तो जैसे कि समझो मैंने यहां पे कहा कि ये वाला जो एंड है ये वाला एंटीरियर एंड बनेगा और ये वाला जो एंड वाला एंड बनेगा पोस्टीरियर एंड तो पोस्टीरियर एंड की तरफ ये जेडपीए प्रेजेंट होता है और ये जेडपीए किसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोस्टीरियर एंड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता, होता है अगर यहाँ पे पोस्टीरियर एंड बनेगा तो बात है उसके अपोजिट साइड पे क्या बनेगा एंटीरियर एंड जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा भी था ये एंटीरियर एंड होता है ये पोस्टीरियर एंड होता है तो यहाँ से जब बड बनने की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर क्या होगा जेडपीए रीजन प्रेजेंट होगा इस तरीके से यहाँ पे होता है अगर हम इसके बाद पहुंचे तीसरा जो, जो जोन होता है उसका नाम क्या होता है उसका नाम होता है ए जोन

ये एपिकल एक्टोडम रिच ही रिस्पॉन्सिबल होती है मीजन काइंड सेल्स को मैसेज देने के लिए कि तुम डिवाइड हो तो यहाँ पर इन्हीं से ही मैसेज आता है जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे तीन रीजन होते हैं कौन कौन से ध्यान से देखिए एपिकल एक्टोडर्मल एक 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 रिच प्रेजेंट है जो कि कौन सा रीजन है जो कि थिकन रीजन है जो कि एक्टोडर्म पे प्रेजेंट है इसी के साथ साथ यहाँ पे जोन ऑफ फ्लोरिफ्रेशन प्रेजेंट है जहां पे कौन से सेल्स प्रेजेंट है मीजन काइम सेल प्रेजेंट है और ये डिवाइड 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 होते जाएंगे जितना जितना डिवाइड होते जाएंगे उतना उतना ये जो लिम बर्ड है वो आगे 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 बढ़ता जाएगा और उतना उतना हाथ या पैर बनते जाएगा तो ये जैसे जैसे डिवाइड होंगे वैसे वैसे ही क्या करेंगे एक्टोडम को आगे आगे पुश करते जाएंगे और आगे 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 करके इस तरीके से क्या बना लेंगे लिम्ब बना लेंगे इसी के साथ साथ यहां पे जोन ऑफ पॉलराइजिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होता है जहां पर ये जोन है वहां पे पोस्टीरियर एंड बनेगा और जो उसका अपोजिट एंड होगा उस पर क्या बनेगा एंटीरियर एंड बनेगा तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी कहानी चलती है